रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फिदा दिल हूँ और उस मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ जो पुलिस लाइन पेशावर में मौजूद है और जिस पे खुदकश हमला हुआ और इसके नतीजे में 60 के लगभग अब तक की इतलात के मुताबिक अफराद शहीद हो चुके हैं और 150 से ज़्यादा अफराद के ज़ख्मी होने की इतला है। इस वक्त भी रात के इस पहर मस्जिद में इमदादी कार्रवाइयाँ और मलबा हटाने का काम जारी है। अगर मेरा कैमरा आपको ये तबाही के मनाजर दिखा सके, ये वो तबाही के मनाजर हैं। ये मस्जिद के अंदर से हम आपसे मुखातिब हैं और ये मस्जिद का एक किस्म का आप कह लें कि बरामदा है, सहन है। और उस साइड पे अगर आप देखें तो वो मस्जिद की जो पूरी छत है वो बैठ चुकी है, वहाँ पर भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ से लाशों को निकाला जा सके। हम करीब भी जाएंगे और ये आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये कितना मुश्किल मरहला है और किस किस्म की मशीनरी वहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। हम इस मस्जिद के ऊपर आ चुके हैं और ये आप छत देख रहे हैं कि ये वाली छत जो है ये महफूज है और बिल्कुल सामने जो हाल का की छत जो गिरी है वहाँ पर आप इमदादी सरगर्मियाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। जी तो नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी अफराद आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं रेस्क्यू के अहलकार हैं, इसमें रेस्क्यू 1122 के हैं, पाक फ़ौज के हैं, अलखिदमत फाउंडेशन के हैं और बाकी रज़ाकार भी मुझे नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं उस छत के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं और इस छत के नीचे अभी तक लोग दबे हुए हैं और उनकी तादाद के हवाले से बताया गया है कि ये 15 से 20 अफराद हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, खदशात यही हैं। ये भी बताया गया है कि इस हाल के मरकज़ी हिस्से में कुछ अफराद ज़िंदा भी हैं जिनको रेस्क्यू की करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि उनको यहाँ से ज़िंदा निकाला जा सके और उसके बाद फिर बाकी ये जो छत है इसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि अंदर जो अफराद मौजूद हैं वो निकाले जा सकें। भारी मशीनरी भी आपको नज़र आ सकती है और सेंसर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंदर कितने अफराद मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी आपको नज़र आ सकती है, भारी मशीनरी और ये मस्जिद की तबाही आप देख सकते हैं। ये मस्जिद की आप अगर मुलाहजा कर सकें, ये वो छत है जो इस धमाके के नतीजे में मुनहदिम हुई और इसके मलबे तले बहुत सारे अफराद जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये पुलिस लाइन की आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मस्जिद है और दूर जाके अगर आप थोड़ा सा देख लें तो यहाँ पर वो रिहायशी क्वार्टर्स हैं कि जहाँ पर एक खातून ने भी जामे जहाँ शहादत नोश किया, उनके बारे में बताया गया कि वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। तो ये इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि जाँ बहक अफराद के जो लवाहिकीन हैं वो भी मौजूद हैं, अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। पाक फ़ौज के जवान भी इस इमदादी काम में मसरूफ़ हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये वो छत और उसकी बीम और उसके नीचे जो है तलाश जारी है, देखा जा रहा है कि कोई ज़िंदा है और जो शहीद होने वाले अफराद हैं उनके हवाले से भी कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ से निकाला जा सके। मैं इस मस्जिद के अंदर के मुख्तलिफ हिस्से आपको बता रहा हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और यहाँ से अगर हम आपको एक बार फिर दिखा सकें कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर रेस्क्यू की सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं और तबाही के मनाजिर और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, बहुत बड़ा हादसा पेशावर की पुलिस लाइन की इस मस्जिद के अंदर से हमने आपको ये रिपोर्ट बताई और कोशिश ये की कि आपको ये तबाही के मनाजर हम आपको अंदर से भी दिखा सकें। आधी रात हो चुकी है लेकिन इस आधी रात के बावजूद, शदीद सर्दी के बावजूद यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया।